तो अभी के डे एंड एज में हम लोग जिस तरीके से कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम इन टर्म्स ऑफ कि वीडियोस हो गए, वेब सीरीज हो गए, सब कुछ हो गया, तो आप एक लिमिट एक पॉइंट के बाद में आप आपका सिचुएशन आ जाएगा कि आप बोलेंगे बॉस नहीं अब मैं देख नहीं सकता क्योंकि मुझको उसके साथ में काम भी करना है। आप दिन में आप काम करते हो, सुबह उठ के आप कुछ एक वेब सीरीज देख लेते हो, रात में बैठ के आप पूरी रात देखते हो, मिर्जापुर आ गया मिर्जापुर देख लिया बैठ के पूरा। उसके बाद में आपको ना एक पॉइंट के बाद में जिस शहरों में रेडियो और अच्छा रेडियो अवेलेबल नहीं है, तो आपको ना ऐसा कुछ चाहिए, आप जब काम कर रहे हो तो कुछ बातें होती रहे, कुछ कुछ चलते रहे साथ में और आप काम करते रहो। और कानों पे कुछ डेटा हाँ पड़ता मतलब, रहे, कुछ कुछ ना कुछ कानों में और हमारे पड़ता इसलिए रहे। रेडियो का मैं बोलता हूँ, रेडियो इसलिए काम में आता है यहाँ पे कि रेडियो का जो आरजे है वो आपकी डे टू डे लाइफ को कनेक्ट करके बात कर सकता है। पॉडकास्ट होती है किसी भी टॉपिक को लेके, वो दिन डेली पॉडकास्ट बहुत कम है कि मतलब रोज ही बात हो रही है एक आरजे की तरह, बट आरजे है वो आपको अभी करंट सिटी में क्या हो रहा है, लोकल कनेक्ट क्या है, उस बारे में आपसे वो बात कर सकता है कि बॉस आज ना यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे आज बड़ा ये हो गया वो हो गया, तो आप लगता है कि हाँ भाई कोई तो साथ में है मेरे, में अकेला नहीं हूँ यहाँ बैठा आपका घर में। तो ये एक होप वाला काम रेडियो ने किया, हाँ वही काम पॉडकास्ट कर सकता है कब, जब पॉडकास्ट कंटेंट ड्रिवन हो। मतलब एक होता है कि बोले जा, और एक होता है कि हाँ भाई कि मतलब ठीक है, कायदे से भटको भटको मत। तो मेरे लिए एटलीस्ट ये जो जो मेरा जो पॉडकास्ट है वो मेरे हिसाब से मेरे लिए एटलीस्ट कंटेंट ड्रिवन है, क्योंकि जो मैं गेस्ट बुलाता हूँ वो लोग एक्चुअली उनके फील्ड के ये होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। अभी तक तो इससे 3 ही हुए हैं, बट अभी तक जितने भी 3 हुए हैं, 2000 प्रोफेशनल्स, और वो अगर अपना एक एक्सपीरियंस कुछ शेयर करेंगे। और जो लोग ये पॉडकास्ट देखते हैं, अभी समझ ले कोई अगर एस्पायर कर रहा है कि मुझे म्यूजिशियन बनना है, फिर मुझे म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करना है, तो अगर वो आके तेरा हमारा ये जो पॉडकास्ट है वो अगर ये वाला 33rd एपिसोड सुन लेता है तो उसको काफी सारे इंसाइट्स मिल जाएंगे। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि आप ना सिर्फ आगे वाले को एक आईना दिखा सकते हो कि हाँ बॉस ये ऐसा मेरे साथ में हुआ हुआ है तो देख लो, मतलब बाकी तो सारे सामान खुद जिम्मेदार है। एक यार मैं नाम तो शेयर करूंगा, वो खतरनाक है, मतलब वो रेडियो प्लेस करके एक चीज होती है जो कि मैंने किया, बेगी मिर्ची नाम का एक सेगमेंट होता था हम लोग जब स्टेशन में है, तो उसमें होता है कि आप 1 या 2 2 मिनट में 3 मिनट में आपको एक प्ले बताना है, पूरा कहानी बतानी है लेकिन सब ऑडियो में, उसमें सब कुछ होगा, उसमें मतलब एक्सीडेंट हो रहा है सब हो रहा है, आपको बारिश गिर रही है सब कुछ दिखाना है बट ऑडियो में। तो वो जो चीजें हैं वो करना, उसको उसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है वॉइस ओवर का, कि आपके वॉइस में उतना होना चाहिए पावर कि वो आपको जो एक्सप्रेशन है आपको आप कन्वे कर सको, वो इमोशन आप कन्वे कर सको आगे वाले को। तो ये सारी चीजें उस M&M टॉकीज नाम का एक पॉडकास्ट चैनल है स्पॉटिफाई पे, और मंत्रा नाम का एक आरजे है जो शायद मेरे ख्याल से बिग एफएम में थे या किसी में थे, वो एक्टर भी है मंत्रा, उसका वो शो है कोई डिटेक्टिव का शो है कुछ, मतलब भास्कर कुछ नाम है उसका, डिटेक्टिव भास्कर शायद, तो उसको सर्च कभी सुनना उसको, तो उसमें ऐसा लगेगा कि तेरे आंखों के आगे हो रहा है जो भी हो रहा है, कि मतलब वो तहकीकात पे जा रहा है। आप सोचो कि एक मिस्ट्री, एक मर्डर मिस्ट्री है जो आप देख ही नहीं रहे, आप जब मूवी देखते हो या हाँ, हाँ सिर्फ सुन रहे आप सिर्फ हो। सुन रहे हो भाई साहब, मतलब उसमें अगर अगर बताना है कि भास्कर कूद के पीछे से आया, मतलब वो गेट से निकला और वो यहाँ पे आया, अगर मैं विजुअली कुछ बोलूंगा नहीं मैं देखते रहूंगा वो वहां से चल के आया तो बोलेंगे कि पीछे है, बट अगर मुझको ये सीन बताना है ऑडियो वाइज तो मैं क्या करूंगा, तो मैं करूंगा दरवाजे खोलने की आवाज, अरे वाह, मैं पैरों के चलने की आवाज करूंगा, मैं किसी के सांस की आने की आवाज करूंगा, मैं यहाँ जो बैठा है उसमें उसकी जो सांस भर रही है क्योंकि अब क्या हुआ अब क्या हुआ उसकी आवाज, और मैं रिएक्ट करने की आवाज पढ़ूंगा कि पीछे, अब पीछे दिखा सकता नहीं हो तो मैं बोलूंगा कि अरे अरे तुम, तो मालूम पड़ेगा कि अच्छा कोई आया,